हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अल्कज़ार की वीडियो। ये नई गाड़ी है जो अभी लॉन्च हुई है। आइए इस गाड़ी के फीचर्स को बारे में आपको बताते हैं। हमारा टॉप वेरिएंट सिग्नेचर है ये हमारी गाड़ी कीज़। इस पर लॉक अनलॉक गाड़ी को स्टार्ट करने का ऑप्शन आ जाता है और ये गाड़ी के बूट का बटन ये देख रहे हैं आप। तो दोस्तों आइए अपनी गाड़ी के रिव्यू को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप हमारी गाड़ी का फ्रंट लुक। बात कर लेते हैं यहाँ पर बीच में आते हैं हमारे DRL और टर्न इंडिकेटर। यहाँ पे आ जाएगा हमारे सिल्वर फिनिश में हुंडई का लोगो। और दोस्तों ये गाड़ी ग्रीन कलर है, आपको ब्लैक लग रहा होगा लाइटिंग की वजह से, पर ये पास से देखिए ये हमारा ग्रीन कलर है। यहाँ पे आ जाएंगे नीचे वाइट LED प्रोजेक्टर नहीं है, LED है। और बीच में आ जाएगा दोस्तों फ्रंट सेंसर ग्रिल आ जाएगी, यहाँ पर फ्रंट कैमरा आ जाएगा, देख लो आप। काफ़ी सुंदर लग रही है और काफ़ी बड़ी गाड़ी लग रही है। और यहाँ पे कर लेते हैं साइड की बात अपनी। यहाँ पे नीचे देखो कैमरे की प्लेसमेंट, साइड ORVM पे यहाँ पे आ जाएगा हमारा टर्न इंडिकेटर। और बात कर लेते हैं अलॉय व्हील की, ब्लैक और डायमंड फिनिश में आ जाते हैं इसके अलॉय व्हील। अपोलो का टायर आ जाएगा। टायर साइज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे है R18, ये देखो 18 इंच के इसके अलॉय व्हील आ जाएंगे चारों। इसमें डिस्क ब्रेक आएंगे, ये पीछे भी आप चेक कर लीजिए। और दोस्तों एक बार आप हमारी गाड़ी का साइड लुक चेक करिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये इसमें ब्लैक पार्ट दे रखा है जैसे क्रेटा में आता है, इसी टाइप से देखो इसमें भी दे रखा है। पर काफ़ी बड़ी गाड़ी है, ऐसा नहीं है कि छोटी है, काफ़ी अच्छी। इसमें एक कैप्टन सीट्स भी आती हैं। ये हमारी ग्रैब हैंडल ग्रिल, ये कुछ भी हम इसमें पकड़ के अपना साफ सफाई कर सकें। ऊपर आ जाएगी पैनारोमिक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना आ जाएगा इसके अंदर। और दोस्तों साइड की बात करें, ये हमारी क्लैडिंग आ जाएगी। और दोस्तों ये टच आता है इसका सेंसर, गाड़ी अगर हमें जैसे लॉक करनी है और अनलॉक करनी है उसके लिए, ये देख लीजिए जैसे गाड़ी लॉक हो चुकी, इससे अनलॉक हो गई। काफ़ी अच्छा है हमारा फीचर आ जाता है इसके अंदर। और दोस्तों बात कर लेते हैं बैक से, यहाँ पर आ जाएगी अल्कज़ार की पैजिंग और यहाँ पर आ जाएगा हमारा हुंडई का लोगो। और यहाँ पे हमारे रियर डिफोगर वाइपर स्टॉप लैंप आ जाएंगे इसके अंदर। टर्बो की बैजिंग आ जाएगी, सिग्नेचर हमारा टॉप वेरिएंट है जैसे मैंने आपको बताया, उसकी बैजिंग। यहाँ पे पीछे हमारा यार बैक कैमरा, यहाँ पे सेंसर आ जाएंगे, हमारे रिफ्लेक्टर दे रखे हैं। एक बार आइए आपको बूट खोल के दिखाता हूँ इसका कैसे खोल, एक बार चाबी से दोस्तों। मैनुअली हमें इसका बूट खोलना पड़ेगा, मुझे लगा ऑटोमेटिक होंगे पर ये मैनुअली इसमें शॉकर दे रखे हैं। ये आप देख लीजिए, अगर हमारी सारी सीटें खुली हुई हैं तो इतना स्पेस आएगा। यहाँ पे हमारे टूल किट होना चाहिए, ये रहा। पीछे लाइट आ जाएगी, इधर हमारा सबवूफर आ जाएगा। बॉस के स्पीकर आते हैं टॉप वेरियंट में। एक बार आप यहाँ से हमारी पीछे वाली सीट चेक कर लीजिए। इस साइड हमारे AC वेंट आ जाएंगे, इसके कंट्रोल आ जाएंगे AC के, ये देख लो। सीट टाइप USB चार्जिंग ऐसी इस साइड, दोस्तों सीट टाइप USB चार्जिंग कप होल्डर आ जाएगा। और काफ़ी आसानी से हम इसकी सीटें खोल सकते हैं, देखो जैसे मैंने पकड़ी और ये हमने खोल दी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा इसका एक फीचर है, इसमें देखो यहाँ पे कितनी सारी स्पेस दे रखी है। आपको यहाँ से ज़्यादा आराम से आप समझ पा रहे होंगे। ये आ जाएंगे इसके वाइट रीडिंग लैम्प। और दोस्तों अगर हमें इसको बंद करना है, यहाँ ग्रैब हैंडल दे रखा है, एक बार में ही हमारा बंद हो जाएगा। और वॉशर जो है इसमें यहाँ पे दे रखा है, ये स्टॉप लैंप आ जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी इस साइड की, 50 लीटर का इसका फ्यूल टैंक आता है, डीजल और पेट्रोल दोनों में आती है। और दोस्तों इसकी एक बार आपको मैं अनलॉक करके पीछे वाली सीट दिखाता हूँ। एक बार आप यहाँ से हमारी पीछे वाली सीट चेक कर लीजिए, ये इसके सारे फीचर्स हैं। जैसे यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट आ जाएंगी, विंडो अप एंड डाउन के फीचर आ जाएंगे, सनशेड आ जाएंगे, मैनुअली एडजस्टेबल। और दोस्तों बात करें यहाँ पे हमारी, आप एक बार देख लीजिए स्पेस। और अंदर चलने की मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे हम अंदर जाएंगे। सब चीज़ में मैनुअली एडजस्टेबल हो सकती है। ये देखो कैप्टन सीट आती है इसके अंदर। और बात करते हैं पीछे, यहाँ पे हमारी ट्रे आ जाएगी, ये आप देख पा रहे होंगे पन्नी चढ़ी हुई है। अगर ये उतार पाऊँ, नहीं उतार सकता, पर दोस्तों जैसे मैं इसे पीछे से मैन्युअली एडजस्ट जरूर कर सकता हूँ।
जैसे मैं गाड़ी की सीट आगे करनी है, मैं एक बार में इसके अंदर आ गया। ये देखो ये सीट हम पीछे से ही इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये देख लो आप गाड़ी के अंदर से कैबिन कितना अच्छा लग रहा है। दो इसमें सीट टाइप आ जाएंगे, पोर्ट, फ़ोन रखने की स्पेस। और दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे दो एसी वेंट हमारे। यहाँ पे रीडिंग लाइट आ जाती है, ग्रैब हैंडल आ जाता है। और दोस्तों कैप्टन सीट है तो काफ़ी अच्छा है ये लगता है इसके अंदर, और काफ़ी प्रीमियम लगती है। एक बार देखो मैं कितने आराम से बैठा हुआ हूँ, आप देख पा रहे होंगे कैमरा हमारा जस्टिफाई कर रहा होगा। अभी थोड़ी देर में आगे चलेंगे और दिखाएंगे आपको कितना अच्छा हमारा इसमें वो आता है, सारे फीचर्स। एक बार आप पीछे देख लो। तो दोस्तों आगे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ आज सारे आगे के सारे फीचर्स। तो अंदर जाने से पहले आपको गाड़ी के बारे में बता देता हूँ। देखो यहाँ इन्होंने सारी डिटेल्स लिख रखी हैं। इसका पेट्रोल इंजन आता है 4 सिलेंडर, और इसका डीजल इंजन आ जाएगा। इसके अंदर जो हमारी पावर आती है 1500 से लेकर 3500 RMS की आ जाती है, और ये ऐसी इसमें डीजल में आप एक बार चेक कर लेना। यहाँ पर आराम से इसका स्क्रीन शॉट भी ले लेना। मैनुअल ट्रांसमिशन आ जाता है और ऑटोमेटिक दोनों में आ जाता है इसमें। और दोस्तों जो इसकी विड्थ आती है वो आती है देखो 1800 mm की, और जो इसकी पूरी लेंथ आती है वो आती है 4560 mm की। तो दोस्तों ये सारे कुछ इसके डायमेंशंस थे, यहाँ दिए रखे हैं मैंने, इसलिए आपको पढ़ के बता दिया। बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमारी मेमोरी सीट फंक्शन आ जाएगा, गेट पे विंडो कंट्रोल्स आ जाएंगे, टॉप वेरियंट है तो दोस्तों इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट तो बनता है इसके अंदर। आराम से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेते हैं। हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, ऑटोमेटिक हमारा वेरिएंट है। गाड़ी की इसको यहाँ पर रख के एक बार गाड़ी के आपको इग्निशन ऑन करके दिखाता हूँ। दोस्तों हमारी गाड़ी का इग्निशन ऑन हो चुका है। ये सारा दोस्तों आवाज़ पता नहीं कैसे कर रहा है। ये देखो वेंटिलेटेड सीट हमारी आगे की भी आती हैं, और यहाँ पे हमारे दोस्तों ड्राइविंग के मोड आ जाएंगे, इंजन स्टार्ट स्टॉप का इस साइड आ जाएगा। ये देखो आप, तब बात करते हैं इसके फीचर्स की। दोस्तों यहाँ पे हमारी टच स्क्रीन देख लीजिए, बिल्कुल जैसे क्रेटा में आती है ना नई वाली, में कुछ सेम इसका इंटीरियर दे रखा है। यहाँ पे दोस्तों हमारा कोल्ड ग्लो बॉक्स आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा कुछ फ़ोन वगैरह रख सकते हैं क्योंकि ये एंटी स्किड टाइप दे रखा है। बीच में हमारा स्पीकर आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ से देखोगे तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्रिएटा है अल्कज़ार है। ये देखो हमारी पैनारोमिक सनरूफ, यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे वाइट रीडिंग लैम्प हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमारा वैनिटी मिरर हो जाएगा, नॉर्मल सनशेड हो जाएगा, और दोस्तों बात कर लेते हैं देखो हमारे म्यूजिक सिस्टम की। इसमें आ जाएंगे हमारे सारे कंट्रोल्स, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन मैप वगैरह सब आते हैं। देखो इसमें इनबिल्ट है जो एक काफ़ी अच्छा फीचर आ जाएगा। क्लाइमेट कंट्रोल का भी, शायद एसी का भी आ रहा है इसमें, हम कर सकते हैं डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी आता है, एक बार आप देख लीजिए यहाँ पर। और ब्लू लिंक भी दे रखा है इसके अंदर। एसी के फ़ैन की स्पीड मंदी करता हूँ यहाँ से, हो गया सारा टच है हमारा पैनल। दोस्तों यहाँ पे हमारे एसी कंट्रोल्स आ जाएंगे, नेविगेशन मैप, रेडियो, सब चीज़, हज़ार लाइट हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं। और दोस्तों यार देखो इसका टैगोमीटर कितना सुंदर लग रहा है, पैडल शिफ्टर आ जाते हैं, क्रूज़ कंट्रोल, और इसमें एडास वगैरह सारे फीचर्स आते हैं, लैंड वॉच सब चीज़ आ जाती है जितना आप सोच सकते हो। इसका देखो दोस्तों हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक ब्रेक, होल्ड। और दोस्तों ये हमारा 360 व्यू इसमें कैमरे का, कितना सुंदर लग रहा है देखो, और कितना आसान हो जाता है शहर के अंदर गाड़ी को चलाना 360 व्यू के साथ। यहाँ से हिल डिसेंट कंट्रोल भी है इसके अंदर। और दोस्तों हमारा आर्मरेस्ट एडजस्टेबल आता है, ये थोड़ी सी स्पेस दे रखी है देखो, इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। दो कप होल्डर दे रखे हैं। तो दोस्तों बॉस के मैंने बता दिया आपको, इसमें म्यूजिक सिस्टम आ जाता है, कप होल्डर यहीं पर आते हैं इस साइड, तो बस नॉर्मल पता नहीं जगह बस ही बना रखी है। तो दोस्तों आइए बाहर चलते हैं, वहीं पर आपसे बातें करेंगे। तो ये थी हमारी हुंडई अल्कज़ार की वीडियो, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो नए कंटेंट के साथ। लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे भी हमारा गाड़ी खोजो के नाम से पेज है उसको फॉलो कीजिए। धन्यवाद।